नमस्कार, नंबर वन चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले टीकमगढ़ की, जहां लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऊपर से सरकारी सेवाएं भी ठप पड़ी हुई हैं। प्रतिपुर कस्बे के वार्ड नंबर 3 में ऐसी ही अव्यवस्था देखने को मिली, जब गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना देने के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घंटों इंतजार करने के बाद जब महिला का दर्द काफी बढ़ने लगा तो परिजन चारपाई से महिला को अस्पताल ले जाना उन्होंने उचित समझा। स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में जानकारी ना होने और जांच कराने की बात कह रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, गर्भवती महिला के लिए पहले एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कोई वाहन मुहैया नहीं करवाया गया और उसके बाद महिला का दर्द बढ़ने लगा और परिवार वाले चारपाई पर लिटाकर इस महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। पानी किस तरह भरा हुआ ये भी आप देख सकते हैं और इसी पानी के बीच से परिजन चारपाई पर महिला को लिटाकर अस्पताल तक पहुंचे। गर्भवती महिला को एम्बुलेंस लेने नहीं पहुंची। गाड़ी कैसे निकल पाती, तो गाड़ी आई नहीं। फिर हमने उसको खटिया पे लिटाया है, बहू को, चार पांच जनों ने, और बहू को खटिया पे लिटा के बातर पे ले गए, बातर पे ले गए, फिर अस्पताल ले गए। ऐसी समस्या है उस नरवा की, जैसी बने जो, जहाँ तक हमसे मुख्यमंत्री से हमारी यही निवेदन है कि आप जो करें नहीं करें, पीछे पर आपको खुद करवाना है वो नरवा, इसी महीना में तैयार होना चाहिए, जो पानी खुलने के बाद काम लगना चाहिए कोई भी लिए। वो हमने एडमिट कर लिया था, सुविधाजनक जैसे डिलीवरी हो सके, और बाकी अन्य बातों की पता चला है मुझे कि वो वहाँ पे कोई पानी ज़्यादा भरा हो गया था, इसलिए जल्दी एक्सप्रेस नहीं जा पाए। अब जो भी होगा ये जांच का विषय होगा, इस बारे में मैं डीएम साहब को मैंने बता दिया है। अब जो भी होगा तो आपको फिर बताया जाए। ठीक।